ड्रेस ओपन करी है, तो चलो तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो मैंने एक दो चुन्नी ली है, एक ये कलर की है ब्लैक और एक ये है ओशन, एक ये भी चुन्नी मैंने खरीदी है, ये मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। और अब देख सकते हैं, और ये मैंने चप्पल खरीदी है अपने लिए, और आप देख सकते हैं ये मैंने पर्दे भी खरीदे हैं, ये वाले दो तीन पर्दे हमने खरीदे हैं। ये भी खरीदा है, ये भी पर्दा ही है। और ये मैंने सजाने के लिए इतने सारे फ्लावर खरीदे हैं, देख सकते हैं। और मैंने ये इतना बड़ा सा कम्बल खरीदा है, ठंडी आ रही है ना, इसके लिए मैंने कम्बल अभी से खरीद के रख लिया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं। ये मैं खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि अभी ये इसको पैक करने में बहुत टाइम लग जाता है, मैं पैकिंग नहीं था ठीक है। और मैंने ये भी खरीदा था, आपको मैं उतार के दिखा रही थी, चलो ये एक निकल गया, नहीं निकलेगा तो देख सकते हैं है ना, अच्छे लग रहे हैं ना, इतने प्यारे से लग रहे हैं। तो मैंने इतनी सारी शॉपिंग करी है हे भगवान, हमने 3-4 घंटा लग गया शॉपिंग करने के लिए और मैंने पैक करके रख दिया क्योंकि इतना सारा यहाँ सामान हो गया और इतना सारा हो गया कि मेरा। और देख सकते हैं मैंने पिल्लू भी खरीदी, ये देखिए, ये भी देखिए, ये देखिए सारे, बहुत सारे मैंने खरीदे थे तो हो गए। और ये भी देखिए, ये देखिए, ये वाले मैंने खरीदे। तो मैंने बहुत सारे शॉपिंग करी, मैंने आधे कपड़े पैक करके रखे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ फैल गए थे, तो उधर भी पड़े सारे फिर मतलब पैक करके रख दिए पूरा। और फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी अब घर पे रंगोली बना लेते हैं, और मैं रंगोली बना रही थी तो कुछ लोग आके मेरे टूटा कर रहे थे, कह रहे थे कैसी बना रही हो, अच्छी नहीं है, ये है वो है, तो छोटा सा बच्चा बना लेगा, तो मैं अच्छा नहीं बना रही, ये मेरे को इतना पका दिया, मेरे को इतना चिढ़ा रही थी कि मैं बिगाड़ दूँगा। मेरी सांस अटकी थी यार कि अगर मैंने बनाई इतनी मेहनत से लोगों ने बिगाड़ दिया ना तो इनको मैं सर फोड़ दूँगी। भाई मेरे को इतना परेशान कर दिया, बनाते 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 हंसा रहे हैं मेरे को, पता नहीं बीच में आके इधर कौन रहे उधर कौन रहे, बनाने नहीं दे रहे, और मेरे बड़ी मुश्किल से मुझे बनाने को मिला। और तुम बोले कि तुम शीशे में जाके अड़ मत जाना, देखो घूम रहे इधर उधर, मुझे इतना इरीटेट किया है भगवान, इतना भला बुरा कहा कि यार तुम अच्छा नहीं बना रही, ये कर रही वो कर रही। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बना पाती तो क्या करूँ यार। फिर जब मैंने पूरा से बनाया ना उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगा, कह रहे थे बहुत अच्छा। तो आपको मैं पूरी वीडियो में बनी रहना, तो फाइनल लुक आप इसको देख के जाना, और ऐसे में जय भी इतनी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई, तो आपको ये वीडियो देख के जाना बनाने। और अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखो पूरी रंगोली का लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा मस्त आया, और मेरी हैप्पी दिवाली को हैप्पी हो गई, मेरा दिल खुश हो गया कि मेरी इतनी सुंदर थी रंगोली बनी है, कितनी प्यारी लग रही है वो, मेरे दिल मतलब अगर कोई मेहनत कर रहा है और इतनी प्यारी चीज़ बने तो आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी इस रंगोली को, क्योंकि बहुत तीन घंटे मैंने बर्बाद करे और फिर मैंने सोची थी और ये रंगोली बना दी, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और फिर मैंने लाइट भी लगाई है अपनी, मतलब ये तो एक दिन पहले लगा दी थी, तो मैंने सोचा कि भाई लाइट तो दिखाना ज़रूरी, तो मैंने घर पे मैंने लाइट वाइट लगा दिए, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और इतनी फाइनली इतने मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा सजावट मिली है और ऐसा मेरे को रंगोली मिली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बहुत 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 हैप्पी दिवाली शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ऑल बधाइयां, और अभी के लिए बाय बाय।